फूफो दुनिया में हजारों जोड़े बे औलाद रह जाते हैं, लेकिन इसमें अल्लाह की मर्जी होती है, इंसान का कोई दखल नहीं होता। अरे अरे, ये तो सीधी सीधी बद्दुआओं पे उतर आई, कैसे मुंह भर के कह दिया बे औलाद जोड़ा। तुम दोनों बहनों ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई? और नहीं तो क्या। अरे ये तो है शुरू से झूठी, तुम तो कम से कम सच बोलती ना हमारे साथ। ऐसी बात नहीं है पप्पो। हाँ हाँ बोलो बोलो। अरे तुम्हें क्या लगा इतनी बड़ी बात छुप जाएगी हमसे? तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम अपनी बांझ बहन को हमारे हीरे जैसे लड़के के ऊपर सवार रखोगी? अलिश्बा बांझ नहीं है। अगर वो बांझ होती तो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं होती। और हजारों केसेस हैं इस तरह के, सबका इलाज होता है। तुम तो कहोगी इसलिए कि तुम्हारी तो बहन है। देखिए अब आप हद से ज्यादा आगे बढ़ेंगे। और अंकल आप देख लें, फिर मैं कुछ कहूंगी ना तो बुरा लगेगा सबको। श्री अब तुम खामोश रहना। अच्छा मैं बात करूं। देखो बेटा ये लोग ठीक कह रहे हैं, इतनी बड़ी बात हो गई, तुम लोगों ने हमें बताना ही मुनासिब नहीं समझा। इतराज तो होगा ना? जी आप ठीक कह रहे हैं अंकल, ये गलती है हम लोगों की। गलती नहीं भाई साहब, ज्यादती की है, झूठ बोला है हमारे साथ। भाई यार मैं तो कहती हूँ इससे क्यों पूछ रहे हैं, फिर तो यासिर से बात करनी चाहिए, ये तो पराई है, वो तो हमारा अपना है ना, आप उससे पूछे कि उसने क्यों छुपाया ये सब कुछ। मैं कह रहा हूँ बस कर जाओ शीरी, बस। जब से लड़की हमारे घर आई है ना, हमारा तो सुकून ही बर्बाद हो गया, और अब ये नई मुश्किल लेकर आई। आंटी अभी अभी एक ही डॉक्टर को दिखाया अलिश्बा ने, मेरा ख्याल है हमें किसी और डॉक्टर को भी अलिश्बा को दिखाना चाहिए, कोई अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को। बस कर दो, रहने दो बेकार की बातें। अरे डॉक्टरों के पास जाते जाते जिंदगियां गुजर जाती हैं, लेकिन जो मसला होता है ना वो अपनी जगह ही रहता है। अच्छा आने वाले वक्त का भला आपको कैसे पता है? वो इसरी, मैं यासिर की तरह बच्ची नहीं जो तुम्हारे आगे पीछे नाचती रहूं। आप लोग अभी छोटी सी बात को बड़ा बना रहे हैं। मैं कह रही हूं ना अलिश्बा का इलाज हो जाएगा। बेटा ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, हमारी नस्ल बढ़ाने की बात हो रही है। छोटी सी बात? फूफो दुनिया में हजारों जोड़े बे औलाद रह जाते हैं, लेकिन इसमें अल्लाह की मर्जी होती है, इंसान का कोई दखल नहीं होता। ये तो सीधी सीधी बद्दुआओं पे उतर आई, कैसे मुंह भर के कह दिया बे औलाद जोड़ा। बद्दुआएं नहीं दे रही मुद्दा, वो सिर्फ एक बात कर रही है। आप तो मौका ढूंढ रही है वावेला करने का। अलिश्बा तुम खामोश रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। क्यों खामोश रहूं मैं मुद्दा? अगर खामोश रहूंगी ना तो बेच खाएंगी ये मुझे। देख रहे भाई जान, देखा है आपने अपनी बहू की जबान, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं खामोश रहूं? देखो शीरी इस किस्म की बातें करने से मामला उलझता है, सुलझता नहीं है। भाईजान मैं कोई लिहाज नहीं कर रही, मैं बता रही हूं मैं कोई लिहाज नहीं कर रही, और आप लोग भी मत करें। यासिर आता है ना, इसको तो तलाक के दो बोल पढ़वा के फारिग कर दें। शीरी